जय बोलो देवादिदेव वेखदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। जब कभी हम अपने जीवन के विषय में सोचते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की तस्वीर उभर कर दिखती है। एक वो जिसका हम अनुभव करते हैं और एक वो जो हमारा असली स्वरूप है। हम जब कभी अपने जीवन के विषय में सोचते हैं तो क्या सोचने में आता है, क्या सोचते हैं? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, यही सब आता है ना। ये परिणतियाँ हमारे ध्यान में आती है और प्राणी अपने आप को इसी रूप अनुभव करता आ रहा है। जब इन पर ध्यान जाता है कि इस रूप जो मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ तो उसकी वजह क्या है, तो कहते हैं कर्म के परिपाक का फल है। हम अपने अज्ञान से प्रेरित होकर कर्म का बंध करते हैं और हमारा कर्म हमें इन अवस्थाओं में उत्पन्न करता है। ये सारी पर्याय कर्म जन्य पर्याय। दूसरी तरफ जब हम अपना ध्यान देते हैं तो हमारा असली स्वरूप है वो स्वरूप जो इन सब के मध्य भी स्थिर है, चैतन्य रूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वह मैं हूँ। आकाश में जब हम देखते हैं तो सघन बादल छाते हैं, आकाश का स्वरूप कुछ और दिखता है, लेकिन जब बादल छट जाते हैं तो नीला आकाश प्रकट होता है। ये बादल वायु बनाती है और वायु के संगठन से ही बादल छटते हैं, बादलों का क्रम चलता रहता है। लेकिन आकाश तो आकाश है, वो निर्देप है। हमारी अंतस की चेतना आकाश की भांति है जो पूरी तरह निर्लेप है, पर कर्म की वायु से प्रेरित होकर ये विभिन्न पर्यायों के बादल हमारे ऊपर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं और सामान्य प्राणी उसमें अपने आप को तन्मय महसूस करता हुआ वैसा अनुभव करने लगता है। परिणाम स्वरूप राग द्वेष आदि विकारों से ग्रसित होकर निरंतर कर्म का बंध करता है। आज बात निर्जरा की है। दो शब्दों से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, एक है कर्म का भोग और एक है कर्म की निर्जरा। निर्जरा का मतलब है झड़ना। झड़ना दोनों स्थिति में होता है। जैसे पेड़ में फल पकता है तो पक कर टपकता है, इसी तरह हम जो कर्म बांधते हैं उसका समय पूर्ण होता है, वो झड़ता है। लेकिन यहाँ उस झड़ने का नाम निजरा नहीं है, वो कर्म का भोग है जो हर पल हम भोग रहे हैं, सुख के रूप में, दुख के रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, इष्ट के रूप में, अनिष्ट के रूप में, हर्ष के साथ तो विषाद के साथ हम हर पल भोग रहे हैं। संसार का हर प्राणी कर्म का फल भोग रहा है। कर्म फल को भोगने में कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, हम भोगते आ रहे, भोग रहे हैं। लेकिन यहां आज कर्म के भोग की नहीं, कर्म की निर्जरा की बात है। कर्म का भोग और कर्म की निर्जरा में क्या अंतर है?
कर्म के स्वाद को चखते हुए भोगना, उससे प्रभावित होकर के उसे झेलना, ये कर्म का भोग है। और कर्मोदय में अपनी बुद्धि की स्थिरता रखते हुए कर्म को गला देना, इष्टानिष्ट संकल्प से मुक्त होकर उसे झड़ा देना, ये कर्म की निर्जरा है। कर्मोदय का चक्र चलेगा। अब मेरे हाथ में है कि भोग करूं या निर्जरा। और एक विशेष बात, कर्म के फल भोगने में नए कर्म का बंध होता है। और हम नए कर्म का बीज बोते हैं, जब भी हम कर्म के फल को भोगते हैं हमारे मन में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होते हैं। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष मूलक परिणाम से नए कर्म का बंध होता है। ये चक्र चल रहा है अनादि से। एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी कर्म का फल भोगता है और ज्ञानी कर्म की निर्जरा करता है। वो केवल उसे जानता है, उसमें तटस्थ रहता है, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं करता। आचार्य कुंदकुंद ने समय सार में इसी बात को रेखांकित करते हुए एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात को चरितार्थ किया है और कहते हैं कि जो कुछ भी कर्म के उदय से सुख और दुख उत्पन्न होता है, दब्बे उभू जनते नीमा जाए दि शुभम व दुखम व तम सुह दुख मुदिन्नम वेद दि अध निज्जरम जादे। द्रव्य का उदय होने पर जब हम कर्म द्रव्य को भोगते हैं तो उस समय नियमता कर्म अपना पाक देता है, सुख और दुख को उत्पन्न करता है। लेकिन सामान्य प्राणी उसमें सुखी या दुखी अनुभव करता है और ज्ञानी उस उदीरित सुख और दुख को केवल जानता है और निर्जरा कर लेता है। हम कर्मोदय की स्थिति में अपने आप को सुखी दुखी मानते, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं तो वो हमारा नए कर्म का बंध कराता है। और यदि हम केवल उसे जानते हैं तो कर्म की निजरा होती है। बहुत गहराई की बात है, इसे थोड़ा समझना। वे और आगे बढ़कर कहते हैं कि उभोज मिंदे ही दब्बान मजेदनान मिदरानम जम कुणदि सम्म दिठितम सव्वम निज्जर निमित्तम। इंद्रियों के द्वारा जो भी उपभोग्यम दब्बानम सजेदनान मिदरानम चेतन अचेतन द्रव्यों का जो उपभोग करता है, कौन? सम्यक दृष्टि। इंद्रियों के द्वारा जो अचेतन चेतन अचेतन द्रव्य का सम्यक दृष्टि उपभोग करता है, जम कुणदि सम्म दिठि तम सब्बम निज्जर निमित्तम, वह सब निर्जरा का निमित्त बनता है। इसी को आधार बनाकर लोग कहते सम्यक दृष्टि का भोग भी निर्जरा का कारण है। महाराज बहुत अच्छा फार्मूला आपने दे दिया, अच्छा रास्ता बता दिया। भोग भोगो और निर्जरा करो, इससे सरल धर्म और कौन सा होगा। और बहुत सारे लोग इसी सरल धर्म के चक्कर में भटक गए। इसे थोड़ा गहराई से समझो। हम अपनी वृत्ति को देखें, जितना राग द्वेष है उतना बंध है और जितनी तटस्थता है उतनी निर्जरा है। तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो कि नहीं? महाराज हैं तो फिर सम्यक दृष्टि है तो हमारी तो महाराज जी फिर निर्जरा ही होनी चाहिए, क्योंकि तो कहते सम्यक दृष्टि की तो निर्जरा होती होगी, मैं मान लेता हूं। क्या करो, तटस्थ रहने की वृत्ति अपना लो। अगर अपने आप को तटस्थ बना सको तो निर्जरा ही निर्जरा।
आकुलता बंद है और तटस्थता या निराकुलता में निर्जरा है। सबका सार है ये बात सही है कि पूर्ण निराकुलता, पूर्ण तटस्थता या पूर्ण निष्काम वृत्ति वीतरागी मुनियों को ही होती है। पूरी तरह तटस्थ कोई नहीं होता। अभी भी मैं प्रवचन वो कर रहा हूं तो पूर्ण तटस्थ होकर के नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बस मैं तो शुरू हो गया, जिसका जो होनहार होगा सो होगा, मेरे अंदर से जो निकलना होगा सो निकलेगा। नहीं, मैं इच्छा पूर्वक बोल रहा हूं और आप कैसे सुन रहे? तटस्थ से इच्छा पूर्वक सुन रहे हैं। मेरी इच्छा क्या है? जीवन के मर्म को आप सब जाने और अपने जीवन की सही दिशा को पकड़े, आपके हृदय में धर्म का अंकुरण हो, ये मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या होगी? महाराज के प्रवचन से कुछ काम की बात समझे, हमारे हृदय में बात उतरे जिससे जीवन बदले। ये भूमिका अनुरूप है, लेकिन इसी भूमिका में मैं गड़बड़ा भी सकता हूं। ये इच्छा मेरी है, ये प्रशस्त इच्छा है, उसके अनुरूप बंद भी है। पर मेरे मन में यदि ये इच्छा आ जाए कि मैं बोलूं और सब के सब मेरे वशीभूत हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा इनसे करा लूं, तो शायद वो मेरी इच्छा असद इच्छा हो जाएगी, वो मुझे एकदम डुबा डालेगी। आप सबसे मैं आज के संदर्भ में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, सामान्य रीत्या जब निर्जरा की बात की जाती है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया तपस्या से निर्जरा होती है। किससे होती है? तपस्या से निर्जरा होती है। और आप लोगों से बोलूं तो आप कहोगे महाराज तपस्या तो हमारे बस की बात नहीं है, है ना? हाँ, चलिए मैं आपको बिना तपस्या किए निर्जरा करा दूं तो चलेगा? हाँ महाराज, वो ही तो चाहते हैं। आप लोगों की दशा क्या है बताऊं? करना कुछ ना पड़े, परिणाम सब मिल जाए, है ना? बिना तपस्या के निर्जरा। और आचार्य कुंद ने तो वही बोला, बोला तपस्या अपस्या छोड़ो, बिना तपस्या के निर्जरा कर लो। बता दूं बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई तपस्या नहीं करना, रंच मात्र नहीं है तुम्हें व्रत करना, ना उपवास करना, ना रस त्यागना, ना काय क्लेश करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? चीजों से प्रभावित नहीं होना। बोलो क्या हो गया? चीजों से प्रभावित नहीं होना। बोलो ऐसा हो सकता है? आप प्रभावित रहने की कला विकसित करो। तुम जितना प्रभावित होगे उतनी आकुलता होगी, जितनी आकुलता होगी उतना बंद होगा। और अप्रभावित रहोगे आकुलता नहीं होगी, आकुलता के अभाव में बंद भी नहीं होगा। अब ये हमें तय करना है। निद्रा अधिकार यही बोलता है, तटस्थ भाव को अपनाओ, तटस्थ वृत्ति को अपना, अपनी भूमिका अनुरूप तुम बहुत सारी आकुलता व्याकुलता से बचोगे और यही तुम्हारे पुरातन कर्म को नष्ट करने में सहायक बनेंगे। साक्षी भाव अपनाओ। आज की चार बातें आप सबके लिए। सबसे पहली बात, सहज रहे। निर्जरा करने के लिए क्या करना है? सहज रहे। सहज रहने का मतलब सहज रहने का मतलब
निमित्तों से प्रभावित मत होइए। अभी क्या दशा है अपने मन से पूछो। पल में मासा, पल में तोला, और क्या होगा महाराज। क्षण में उभार, क्षण में उतार। कोई तारीफ किया खिल गए और टिप्पणी की खोल गए, है ना। क्या हाल है हमारा, क्या हाल है, कितना कमजोर मन है। थोड़ी सी तारीफ किसी ने, थोड़ी सी प्रशंसा क्या कर दी, बाग बाग हो गए। ओ, और किसी ने आलोचना भर की, आग लग गई। भैया ऐसा क्यों, तुम्हारी दशा तो ऐसी है कि किसी ने स्विच ऑन की, लाइट जल गई, ऑफ की, लाइट बुझ गई। तो भैया लाइट को कोई जलाए बुझाए ठीक है, पर तुम्हारी बत्ती चाहे जब जो गोल कर दे तो गड़बड़ है। बिजली की स्विच दूसरों के हाथ में हो चलेगा, पर तुम्हारे मन की स्विच यदि किसी दूसरे के हाथ में चली गई तो इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। अपने मन की स्विच को अपने पास रखो। ज्ञानी जीव इस तटस्थता की वृत्ति को अपनाता वो सहज रहता है, प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है। किसके बदौलत, आत्मज्ञान के बदौलत। आत्मज्ञान के बदौलत वह तटस्थ रहता है। ये सब संयोग है, पर रूप है, मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है। मेरा इनसे कोई नाता नहीं है। ये बाहर की परिणति है, पर्याय है, जो विकारी है। कर्म के उदय से ऐसा हुआ है। ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं इनसे क्यों प्रभावित रहूं। अपनी सहजता को इस भांति बरकरार रखने की कला यदि हमने अपने अंदर विकसित कर ली तो हमसे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं होगा। अपना सकते हैं महाराज। उपवास करना सहज है, पर उपवास करके या भोजन करके भी सहज बने रहना सहज नहीं है, है ना। उसी को जीतना है। समय सार को व्यवहारिक जीवन में उतारिए। पूर्ण सहजता जब आएगी आएगी, तुम्हारी पात्रता विकसित होगी तब होगा। लेकिन अपने जीवन को यथासंभव सहज बनाए रखने की कोशिश तो हम आज भी कर सकते हैं, उसमें हानि क्या है बोलो, है हानि। एक पल में, थोड़ी थोड़ी बातों में जो लोग असहज हो जाते हैं वे अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। निद्रा तत्व हमें यही सिखाता है। कर्म को पर रूप मानो, आत्मा के स्वरूप को पहचानो। जो आत्मा का वास्तविक रूप है उसे जानो और उससे अप्रभावित रहने की कला अपने भीतर विकसित करो। पर जब तक तुम्हारे अंदर विकार हावी होंगे तब तक तुम अप्रभावित नहीं हो सकते। विकार से निर्विकार की ओर जाओ, तब हम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। एक बार ऐसा हुआ, देखो अच्छे अच्छे लोग कितनी जल्दी असहज हो जाते हैं। मैं कोलकाता में था, 2006 की बात है, रॉलैंड रोड में हमारा प्रवचन चलता था। शाम का समय था, मैं प्रवचन के मंडप में ही प्रतिक्रमण के लिए बैठा था। गर्मी ज़्यादा रहती थी तो वहाँ पंडाल था, वहाँ बैठा था। एक बहन जी आई, बड़ी बेचैन थी।
मेरा प्रतिक्रमण लगभग 20 मिनट चला और मैं देख रहा था कि वो 20 मिनट में इधर से उधर, उधर से इधर बड़ी परेशान से दिख रही थी। थी बड़ी स्वाध्यायशील महिला, समय सार की रसिक, बड़ी अच्छी चर्चा भी करती थी। मैंने जब मेरा प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ, मैंने पूछा, बहन जी क्या बात हो गई? बोले, महाराज जी आज हमारी अंगूठी का नग गिर गया। गिर गया तो गिर गया, इतने परेशान क्यों? कब गिरा था? बोला, महाराज सुबह प्रवचन में आई थी तब गिरा। बोले, कहाँ गिरा? बोले, महाराज घर से गाड़ी से आए थे, यहाँ से गाड़ी से गए, तो गिरा होगा, तो गाड़ी और पंडाल के बीच में गिरा होगा। बोले, इतने परेशान काय हो रहे? एक नग गिरा, अंगूठी थोड़ी गिरी। नहीं महाराज, बहुत कॉस्टली थी, बड़ी कॉस्टली थी, डायमंड की थी, मोटा नग था। मैं उनकी हैसियत जानता था। अब ले, क्यों परेशान हो रहे हो? मिलना होगा, मिल जाएगा, तुम्हारा थोड़ी गया, गिर गया सो गिर गया, नग गिरा है, तुम्हारा क्या गिरा? नहीं महाराज, बहुत बहुत मुझे प्रिय थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी कॉस्टली थी। मैंने उनसे पूछा, कितने की होगी? महाराज महंगी थी। अब फिगर नहीं बताया, फिगर नहीं बताया। हम बोले, ये बताओ तुम्हारी हैसियत के हिसाब से अगर उसकी मैं 10 लाख की भी कीमत आंक लूँ तो जो तुम्हारा स्टेटस है उसका तो 0.1% भी नहीं होगा। अरे होगा, ठीक है, वो बात ठीक है महाराज, पर अंगूठी थी, व्यर्थ में जाने का विकल्प हो रहा है। हम बोले, विकल्प मत करो, आराम से रहो, मिलना होगा मिल जाएगा। फिर संयोग से दूसरे दिन जब मैटिंग को ठीक किया गया तो उसमें उनका नग मिल गया, तब जान में जान आई, उनको अंगूठी सौंपी। बोले, महाराज रात में नींद भी नहीं आई थी। करोड़ों का जिसके पास धन है वो एक छोटे से नग को, होगी 10-20 लाख की, उस नग के खो जाने से इतने बेचैन। अपने मन से पूछो, क्या हम ऐसी स्थिति में अपने आप को सहज बनाने की क्षमता रख पाते हैं? सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, जीवन और मरण में सहज बनो, ये एक बड़ी तपस्या है। और इस तपस्या को अपना लो तो कोई समस्या नहीं बचेगी। बचेगी क्या? कोई समस्या नहीं महाराज। यही तो समस्या है कि इसको अपना नहीं पाते। वेद विज्ञान यहां काम करता है। पहली बात, सहज रहें। दूसरी बात, साक्षी भाव को अपनाएं। सहजता और साक्षी भाव दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। स्वामित्व की बुद्धि अपने ऊपर न रखे, बस मैं तो संरक्षक हूं, सहज रूप से जो सामने है सो है, संभाल भले कर रहा हूं पर मैं मालिक नहीं हूं, साक्षी हूं। जिस व्यक्ति के हृदय में ये साक्षी भाव होता है उसके जीवन का रस ही कुछ और होता है। वो अलग मस्ती में जीता है। उसके मन में ना कर्तृत्व होता है, ना भोक्तृत्व होता है, ना स्वामित्व होता है। आज थोड़ा थोड़ा कुछ होता है तो यही बुद्धि तुम्हारे चित्त में हावी होती है और तुम्हें भीतर से विचलित कर डालती है। छोटी छोटी बातों से उद्वेलित हो उठते हो। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वो कैसे जीता है? गणेश प्रसाद जी बन्नी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, कुछ लोगों ने उनके दर्शन भी किए होंगे। उनकी धर्म माता थी चिरौंजा बाई, एक धनाढ्य महिला थी, विधवा थी,
पर गणेश प्रसाद जी बन्नी को देखते ही उनके छाती में दूध उमड़ा और उन्होंने उसे धर्मपुत्र बना लिया, उनको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। संपन्न महिला थी, सोनागिर जी में वो पंचकल्याणक विधान करा रही थी। बरुआ सागर उनका निवास स्थान था। अचानक सूचना मिली तीसरे दिन कि घर में चोरी हो गई है और चोरों ने पूरा घर खोद डाला है। दरोगा ने बुलाया है ताकि रिपोर्ट करके, रिपोर्ट के आधार पर तफ्तीश की जा सके कि कितना धन चला गया। वर्णी जी वहीं थे, सब ने सुना तो सबके सब स्तब्ध रह गए। लेकिन धन है चिरौंजा भाई, उसने उसी पल बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जो जाना था सो चला गया और मेरा है वो जाएगा नहीं, अब मैं नहीं लौटूंगी, दो दिन पूरा विधान करूंगी और रुकूंगी ताकि मेरा रहा सहा मोह चला जाए। और सुन लो, इस चोरी के बाद जो बचा है मेरे परिग्रह परिमाण की वही सीमा है, अभी पता नहीं क्या गया क्या नहीं गया, लेकिन इस चोरी के बाद जो बचा होगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है, उतने में ही मैं अपना गुजर बसर करूंगी, मेरा अपना कुछ गया ही नहीं, जो गया वो परद्रव्य है, उसके पीछे मैं क्या मोह करूं। वो नहीं गई, दो दिन और विधान का अनुष्ठान पूरा किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब बरुआ सागर आए, देखा तो चोरों ने पूरा घर खोद डाला था, देखा तो चोरों ने पूरा घर खोद डाला था, लेकिन असल माल जहां था वहां उनकी दृष्टि नहीं गई, सब बचा रह गया, कुछ रह गया, मामूली सी चोरी हुई। लेकिन तुम बताओ, अपने मन को पूछो, उनको तो ये पता नहीं था, कोई दिव्य ज्ञान तो उनको नहीं था कि पहले से लगा लिया कि यहां कुछ नहीं गया। दृढ़ता किसको बोलते, ये कहलाता है साक्षी भाव। मेरा स्वामित्व ही नहीं है, मेरा कर्तृत्व ही नहीं है, मेरा भोक्तृत्व ही नहीं है, मेरा है क्या जिसके पीछे मैं रो। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी तटस्थ रहने का मादा हर किसी के भीतर नहीं आ सकता। तुम अपने मन को पूछो, तुम्हारे जेब से कोई 100 रुपया भी निकाल ले, जेब कट जाए तो दिन भर बेचैन होते हो, बोलो होते हो कि नहीं होते हो। छोटी सी घटना में विचलित हो जाने वाले लोग अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाएंगे, सीख लेना चाहिए। ठीक है, हो गया हो गया, हो जाने दो, न व्यक्ति से, न वस्तु से, न घटना से, न परिस्थिति से, किसी से भी प्रभावित मत हो, साक्षी बनो, यही निष्काम योग है। ये ज्ञान तुम्हारे भीतर होगा तो साक्षी भाव से चीजों का उपभोग भी करोगे तो बंध नहीं होगा। जो अभी मैंने कहा, उपभोज मिंदिये ही दब्बानम अजेदनान मिद्रानम जम कुण दि सम दिठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम, वो भूमिका तो तुम्हारे अंदर आए, अभी तो रचे पचे हो, राग रंग में रंगे हुए हो, तो कहाँ होगा। अपने मन से पूछो, तुम तो त्याग करते हो ना तो उसमें भी राग होता है। क्या बोल रहा हूं, त्याग करते हो उसमें भी राग होता है। मैंने व्रत किया, मैंने उपवास किया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, गलत जीत लिया, दान दिया, ओ मैंने बहुत बड़ा दान दे दिया, है ना। और कहीं दान दो और कोई प्रशंसा ना करे तो तकलीफ होती। अगर किसी ने कोई बड़ा दान दिया हो और एक ने भी बधाई नहीं दी हो, इसलिए मैं कहता हूं भैया कोई दान दे तो उसको बधाई जरूर दिया करो, नहीं तो वो बेचैन हो जाएगा।
मन कितना दुर्बल है, क्यों? मेरे भीतर कर्तृत्व स्वामित्व और भोक्तृत्व की भावना कूट कूट कर भर गई है, यही मुझे उलझाती है। संत कहते साक्षी बनो, सहज रहो साक्षी बनो, चलने दो जीवन को जैसे चलता है, अपने आप को निमित्त मात्र मानो, कर्ता बुद्धि मन में मत रखो। और ये बोलो ये हकीकत है कि नहीं, तुम कर्ता हो या निमित्त? हाँ जोर से बोलो थोड़ा, और मानते क्या हो? जिस दिन इस सच को अपने जीवन में उतार लोगे, संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। अपने आप को निमित्त मात्र मानने वाले कभी अहंकारी नहीं बनते, अभिमानी नहीं होते, उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता। और जिसके अंदर कर्तृत्व का भाव होता है वो घोर अहमन्यता से भरे होते हैं, और फिर उनके अंदर अन्य सारी बुराइयां उत्तरोत्तर हावी होते जाती है, सारा जीवन दुखी बनता है। तो हम सहज रहे, साक्षी रखे, साक्षी भाव रखे, संतोष धरे। क्या करे? संतोष किसमें? जब कभी भी संतोष की बात आती है ना, तो पैसों के संतोष की बात प्रमुखता से आ जाती है, आती है ना भैया, पैसों के मामले में संतोष रखो, पैसों के मामले में संतोष रखो। मैं आपसे केवल पैसों के मामले में संतोष रखने की बात नहीं करता, हर मामले में संतोष रखो, हर मामले में संतोष रखो, चाहे जैसी परिस्थिति हो संतोष, चाहे जैसा प्रसंग हो संतोष, चाहे जैसा व्यवहार हो संतोष, और चाहे जैसा मनोभाव उत्पन्न हो संतोष। हर स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण, ये आत्म संतोष का भाव वृंदिंगत होना चाहिए। है किसी से भी पूछो संतुष्टि नहीं मिलेगी, आए कैसे संतुष्टि? ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपसे पूछता हूं, आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां की का सिस्टम बिल्कुल आपकी जीवन शैली से बिल्कुल हटकर हो, और वहां आप गए हैं, आपको उस कार्यक्रम का भागीदार बनना है, व्यवस्थाएं आपके हाथ में नहीं है, आप उस सिस्टम को फॉलो करते हो कि भाग आते हो? फॉलो करते हो? मन में कोई विकल्प आता है? नहीं आता। क्यों? यहाँ का सिस्टम है। अभी आप सब जमीन में बैठे हो, आनंद से बैठे हो, कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं है बिल्कुल। और यही काम यदि आप किसी के घर में जाओ और वो आपके लिए चटाई बिछा दे, खुद सोफा पर बैठे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ क्यों आया विकल्प? जमीन में बैठने से विकल्प आता तो वहां भी नहीं, वो यहां भी आना चाहिए, यहां विकल्प नहीं, और वहां कालीन भी बिछा, यहां तो सामान सा फर्श है, मखमली कालीन भी बिछाए और आपसे बैठने को कहे तो आप बैठना पसंद नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? मान लो बाई चांस मजबूरी में बैठना भी पड़ा तो अंदर ही अंदर उथल पुथल होगी, यहां तुमने वही चीज उससे भी बुरी स्थिति में, अभी तो फर्श बिछा है, कई जगह तो फर्श भी नहीं रहते हम लोगों के पास, आराम से जमीन में बैठ जाते हो, उस समय ये भी नहीं देखते कि मेरा कपड़ा गंदा होगा या नहीं, होता है ना? क्यों बैठ गए?
यहाँ का यही सिस्टम है। क्या हुआ, थोड़ा दोहरा दो, यहाँ का। तो जहाँ का सिस्टम जो है उसे तुमने स्वीकार किया, कोई तकलीफ हुई? बस यही एक सूत्र अपना लो, जीवन में जो भी संयोग घटे सहज भाव से संतुष्ट होकर स्वीकार कर लो, क्योंकि ये संसार का यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। इतना ही तो सोचना है, कुछ अलग से करना है क्या? यही सिस्टम है, ये सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है। कौन इसको नियंत्रित करता है, सिस्टम को? किसके हाथों में इसका संचालन होता है, सिस्टम को? बोलो, ये कर्म के हाथ में है। कर्म संयोगों के अनुकूल अपना व्यवहार करता है, वो सिस्टम को चलाता है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है, कभी लाभ देता है, कभी नुकसान देता है, कभी ऊपर उठाता है, कभी नीचे गिराता है, कभी शिखर पर तो कभी सतह पर, कभी कलोलपति तो कभी रोटपति, ये उसका खेल है। अच्छा बुरा जो कुछ भी है वो कर्म के नियंत्रण में है, मुझे स्वीकार करने में ही भलाई है, क्योंकि इसके प्रतिकार की कोई व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। इतनी सी समझ हो जाए, इतनी सी समझ हो जाए तो मन में विकल्प आएगा क्या, बोलो? तो ये जो मैंने बोला, ये सिस्टम सही बताया कि मनगणन सिस्टम बताया आपको? केवल दो चार लोगों के लिए सिस्टम है कि सारे संसार के लिए सिस्टम है? ये पंचम काल का सिस्टम है कि चौथे काल में भी यही सिस्टम था? सार्वकालिक और सार्वभौमिक सिस्टम है ना? कोई व्यक्ति इसको बदल सकता है? भगवान भी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो फिर तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वीकृति का भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए, यही संतोष है। स्वीकार भाव का नाम ही संतोष है। जो जब जैसा प्रसंग घटे स्वीकार, एक्सेप्ट करना है, मन में अपने आप संतोष आएगा। लेकिन लोगों को संतोष नहीं होता महाराज। जो चीजें असंतोष कब होता है? जो चीज़ें हम चाहते वो नहीं मिलती तो असंतोष होता है ना, यही अनुभव? जो चीज़ें चाहते हैं वो नहीं मिलती तो असंतोष होता है। मैं कहता हूँ जो चीज़ें मिली है उसे चाहने लगो, संतोष होगा। क्या हुआ? जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलती, असंतोष होता है। जो मिली है उसे चाह ले, संतोष होगा। और देखो, जो हम चाहें वो हमें मिले, वो हमारे हाथ में है क्या? बोलो, जो हम चाहें वो हमें मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर जो हमें मिला है उसे हम चाहें, वो हमारे हाथ में है ना? तो क्या करना है? जो मिला है उसे चाहो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिली है, हम उसे चाहते हैं, चाहे अच्छी है तो बुरी है तो। बोलो, तुम्हारा ये जहाँ जन्म हुआ, तुम्हें जो माँ बाप मिले अपने पसंद से मिले या जो मिला उसे पसंद किया? हाँ, है ना? जहाँ जन्म हुआ हमने स्वीकार किया, जिनके यहाँ जन्म हुआ उसे हमने स्वीकार किया। तुम्हारा ये शरीर तुम्हारी पसंद का है, जो मिला उसे पसंद कर लिया। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पसंद का है, जो मिला तुमने उसे पसंद कर लिया, किया ना? तो दुनिया में तुम्हें जो कुछ मिला तुमने उसे पसंद किया, इसलिए सुखी हो। तो जो जो मिला उसे पसंद करोगे, सारी जिंदगी सुखी रहोगे, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। ये एक सूत्र है,
ऐसा स्वीकार भाव होगा तो संतोष अपने आप मन में आ जाएगा और इससे तुम्हारी आकुलता कम होगी, तुम कर्म का भोग नहीं कर्म की निर्जरा करोगे, तुम्हारे हृदय में ना आसक्ति होगी ना अभिमान होगा। और आचार्य कुंद कुंद कहते हैं आसक्ति और अभिमान ही हमें डुबाती हैं, आसक्ति ना हो अनाशक्ति हो तो निर्जराई होगी। वे कहते हैं जय विस्मुभूत जनता विद्या पुरुषान मरण मुव्यादि दब्बू भोगे अर्दो नानी न बज्ज दे तहा भी। जैसे वैद्य जहर भी पी ले तो मरता नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि वो जहर को संसाधित करके लेता है, दवाई बना कर लेता है। कैसे लेता है? साध लेता है, उसको संसाधित करता है और संसाधित करके लेता है तो वैद्य जहर खाए तो भी नहीं मरता। वैसे ही ज्ञानी द्रव्य का भोग करता है पर भीतर से अनासक्त रहता है तो नए कर्म का बंध नहीं करता। दब्बू भोगे अर्दो नानी न बज्झ दे तहा भी। अनाशक्ति को अपने भीतर विकसित करो। अभी तो आकंठ डूबे हुए हो। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है, अज्ञानी ना करते हुए भी कर लेता है और ज्ञानी करते हुए भी नहीं करता। वो अपने आप को केवल निमित्त समझता है और अज्ञानी अपना हाथ ही पांव चलाता रहता है। अपने भीतर जिस दिन यह समझ विकसित कर लोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो सहज रहे, साक्षी भाव रखे, संतोष रखे और समता रखे। समता, सब में समता, समता जितनी समता समझ लो उतनी निर्जरा। हर पल मन प्रसन्न, सुख में दुख में समता हो, अनुकूल प्रतिकूल में समता हो, लाभ हानि में समता हो, संयोग वियोग में समता हो, जय पराजय में समता हो, हार जीत में समता हो, जिसके अंदर ये आ गया उससे सुखी जीव इस संसार में नहीं है। महाराज बाकी समय तो समता रहती है लेकिन जब कोई प्रतिकूल प्रसंग आ जाता है तो समता खंडित हो जाती है। वही लाना है, उस भाव को पुरुषार्थ पूर्वक जगाना है। देखिए एक गृहस्थ अपने जीवन में इन चारों भावों को कैसे ला सकता है? सहज, सहजता, साक्षी भाव, संतोष और समता, चारों का एक उदाहरण है और इसे आप अपने जीवन में बड़े आसानी से चरितार्थ कर सकते हैं। भूमिका अनुरूप उसे चरितार्थ करने की कोशिश करिएगा तभी जीवन का रस ले पाइएगा। एक जिज्ञासु किसी सेठ के पास, संत के पास पहुंचा, जिज्ञासु सेठ, और उनसे कुछ तत्वोपदेश का निवेदन किया। संत ने कहा कि मैं तुम्हें तत्वोपदेश नहीं दे सकता, तुम एक काम करो, यहाँ के नगर सेठ शांति स्वरूप हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें तत्वोपदेश मिल जाएगा। उसने सोचा सारे सेठ साहूकार तो संतों के चरणों में नाक रगड़ते हैं उपदेश पाने के लिए और ये मुझे उल्टा सेठ के पास भेज रहे हैं। फिर भी श्रद्धालु था, उसने सोचा जरूर महाराज ने कहा है तो कोई राज होगा, चलो चलते हैं। सेठ शांति स्वरूप के यहाँ पहुँचा, अपना परिचय दिया, वो पड़ोस के नगर का नगर सेठ था, अपना परिचय दिया, प्रयोजन बताया। सेठ ने उसका आत्मीय स्वागत किया, अपने यहाँ ठहरने का प्रबंध किया और अपने एक मैनेजर से कहा ये हमारे अतिथि हैं, जब तक यहाँ रहें इनकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना।
सेठ अपने काम में उलझा था, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था, आगंतुक सेठ से कई गुना लंबा चौड़ा। सोचा चलो भाई देखते हैं, दिन भर कारोबार खत्म होने के बाद शाम को कोई इनके यहाँ सास सभा लगती होगी, कोई उपदेश प्रवचन होता होगा, कुछ स्वाध्याय होगा, देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, रात हो गई पर सेठ जी की जो अपनी रूटीन थी वही रूटीन, काम धाम हुआ पूरा हिसाब किताब करने के बाद 9 बजे अपने आए अपने कमरे में, सेठ जी को भी अपने ही कमरे में रखा और थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, सो गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3रे दिन सोचा यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, व्यर्थ समय जा रहा है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, सारा समय व्यर्थ जा रहा है। उसने सोचा अब आज वापस जाना है, हो गया यहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन संयोगतः उसी दिन 2 विचित्र घटना घटी। वो बैठा ही था कि उनका मैनेजर आया घबराया हुआ कि सेठ साहब बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़क गया, अपने को 5 करोड़ का नुकसान है। क्या बोल रहे, सेंसेक्स 1000 अंक नीचे आ गया, अपने को 5 करोड़ का नुकसान है। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। सामने वाला सकते में आ गया, 5 करोड़ का नुकसान और ऐसी प्रतिक्रिया, मानो 5 रुपया गिरा। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। उसे लगा ये आदमी विलक्षण है, यहां रुकना चाहिए, इसे समझना चाहिए, ये व्यक्ति साधारण नहीं है। 1 घंटे बाद सेठ जी का एक दूसरा मुनीम आया, कहा सेठ साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ, बोले सोने के दाम में जबरदस्त उछाल आया, हमें 10 करोड़ का फायदा है। ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अब की बार उस आदमी से रहा नहीं गया, मैं क्या देख रहा हूं, 5 करोड़ का नुकसान तो चेहरे पर शिकन नहीं, और 10 करोड़ के फायदे का संदेश तो भी मन में कोई फर्क नहीं। मामला क्या है, इतना बढ़िया मैसेज आकर के दिया है, कम से कम सामने वाले की पीठ तो ठोकते, ये कितना बड़ा संदेश। उनने बोला सेठ साहब बात समझ में नहीं आई, 5 करोड़ का नुकसान तो भी आपको फर्क नहीं, और 10 करोड़ का फायदा तो भी आपको फर्क नहीं, आपने अपने भीतर ये स्थिरता कैसे लाई, ये समता का राज क्या है। उन्होंने कहा देखो भाई एक सवाल का उत्तर दो, कोई आदमी अपना रुपया बैंक में जमा कर रहा है तो बैंक के कैशियर को कोई फर्क पड़ेगा? बोले नहीं। कोई आदमी बैंक से 1 करोड़ रुपया निकाले तो क्या बैंक के कैशियर को कोई फर्क पड़ेगा? बोला नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि उसका तो अपना ड्यूटी वो कर रहा है, निकालने वाला निकाले, जमा करने वाला जमा करे, उससे उसको क्या फर्क पड़ना। तो उसने कहा बस यही है मेरे जीवन का राज, तुम्हें दिखता है कि ये सारी संपदा मेरी है पर मैं समझता हूं कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है, तुम्हें दिखता है कि ये सारी संपदा मेरी है पर मैं समझता हूं कि एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं इन सब को कर्म के संयोग मानता हूं, लाभ होता है
जमा कर लेता हूँ, नुकसान होता है नाम चढ़ा देता हूँ। कभी क्रेडिट कभी डेबिट, मेरा काम यही है। मैं तो अपने आप को मैनेजर मानता हूँ, आया तो मेरा नहीं, खोया तो मेरा नहीं, मैं तो केवल मैनेजर हूँ, प्रबंधक हूँ। मैं क्यों हंसूं, क्यों रोऊं, मेरा तो बस मैं हूँ। बंधुओं, ये दृष्टि जिस मनुष्य के हृदय में विकसित हो जाती है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर ऐसी दृष्टि विकसित कीजिए, जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास कीजिए, देखिए जीवन का क्या आनंद आता है। एक अलग आनंद, एक अलग अनुभूति जो जीवन के स्वरूप को बदल डालेगी, ये हकीकत है। तो अपने आप को कर्ता मत मानिए, भोक्ता मत मानिए, स्वामी मत मानिए, केवल प्रबंधक बन करके जिए, साक्षी भाव से जिए, सबको पर मानिए। आपा पर का जिसे ज्ञान होता है वो पर में उलझता नहीं, और जिसके हृदय में ये भेद विज्ञान नहीं होता वो पर में ही तत्पर रहता है। बस पर की तत्परता अज्ञान भाव है जो बंध कराती है, और स्वपर का भेद विज्ञान ज्ञान भाव है जो निर्जरा कराता है। हमें इसे देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ये दृष्टि अपने भीतर विकसित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो हम कर्म का भोग न भोगे, कर्म की निर्जरा करें। और उसके लिए चार बातें मैंने की, जो बिना तपस्या की तपस्या है, सारी समस्याओं के निदान की कुंजी है। हम उसे आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज की।